तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के काल लाल में एक बार फिर से। हाँ बेटा सेल्फ लगाओ, देखो एक बार खींचिए दो। बस 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 बस, यानी कि ये कंडीशन है गाड़ी की। सेल्फ लगाते पानी को इतना भयंकर बाहर फेंक रही है दोस्तों। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है मैं बता दूँ आपको। इसका हेड गैस्केट है ना, वो लीक हो चुका है। मतलब दो पिस्टनों का सिलेंडर, यानी दो पिस्टनों का कंप्रेसर एक पिस्टन पर आ चुका है, एक हो चुका है। उस वजह से इसमें पानी बाहर फेंक रही है, क्योंकि कंप्रेसर है ना, क्या हो रहा है यानी पानी में आ रहा है, मतलब लीक हो चुका है गैस्केट। इसकी वजह से पिस्टन का कंप्रेसर है ना, वो वाटर की तरफ आ चुका है, इस वजह से पानी बाहर फेंक रही है। और हीट खा रही है बहुत ज़्यादा, ओवर हीटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। आज इसमें क्या खर्चा होएगा, कितना क्या होएगा और क्या क्या खुलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कितना मतलब प्रोसेस है इसका डालने का, यानी ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा होता नहीं है, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है दोस्तों। तो चलो ये कंडीशन में हेड गैस्केट और क्या कंडीशन निकलती है। अगर हेड खत्म निकलेगा तो हेड डालेंगे, देखो दोस्तों। अगर फेस की जरूरत हो तो फेस भी डालेंगे, क्योंकि ये भाई साहब बता रहे हैं इस कंडीशन में भी ये भाई साहब कम से कम 20 दिन से चला रहे हैं गाड़ी को। और चला कैसे रहे हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। जुगाड़ किया इन्होंने क्या, जो रेटर का ढक्कन है ना, इसकी रबड़ हटा दी, जिससे इसमें प्रेशर बन नहीं रहा। इसमें से प्रेशर होके यहाँ से निकल जाता है, ताकि इसमें आधा पानी रह जाए, तो आधे पानी पे सर्वाइव करिए, क्योंकि मौसम ठंड का आ चुका है इसलिए। और ये फटने का रीजन है, इसका फैन बंद हो गया था, इस वजह से गैस किट ओवर हीट होकर गैस किट फाट दिया। तो चलो इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, टाइमिंग प्लेट वगैरह खोल ली है, टेपिड कवर खोल लिया, और इसके वायरिंग के इनके सारे कनेक्शन इन्होंने हटा दिए हैं। अब सिंपल सा है, सिर्फ हेड के बोल्ट खोलना है और हेड को बाहर निकालना है। तो हेड को बाहर निकालेंगे तो आपको कंडीशन दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। देखो वैसे तो देखो गैस किट जो लीक होने का चांस होता है ना, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है गैस किट लीक होना। गैस्केट लीक होना मतलब यानी कि गाड़ी का ओवरहीट होना। ओवरहीट होने की वजह से जो इसका पिस्टन और हेड के बीच में जो जॉइंट पैकिंग होता है ना, उसका मतलब जॉइंट पे से लीक हो जाना, मतलब कहीं से भी वो अपनी जगह छोड़ देता है थोड़ा सा, तो उससे प्रेशर लीक हो जाता है। और एक बार लीक होने के बाद में फिर वो नया डलने पर ही होएगा। अब इसका हेड खोलते हैं, देखते हैं इसमें कितना काम होएगा। अब ये गाड़ी है ना, जैसे मारुति ओमनी है और ये 800 है, इनमें सेम इंजन आता है क्या दोस्तों? वैन के अंदर भी यही इंजन आता है और 800 में भी यही इंजन आता है, दोनों में सेम इंजन है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से काम होता है। अब इसमें देखो एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं कि कितनी जगहों पर यानी कि हेड फेस कराने की, हेड का काम कराने की ज़रूरत पड़ती है इन गाड़ियों में। जो अब नहीं आ रही ना, उनमें तो एक बार भी हीट हो गई तो हेड कराना ही पड़ेगा फेस। पर इन गाड़ियों में देखो कितनी यानी राहत है, मतलब यानी कितनी जगह होती है। अगर देखो ज़्यादा बेंड आ गया तो मैं भी फेस कराऊंगा, नहीं तो अगर हल्का फुल्का रहा तो इसमें फेस कराने की भी जरूरत नहीं आती है, क्योंकि इसमें गैस किट ही अलग आता है। ये पुरानी गाड़ियों में ये फायदे थे। देखो दोस्तों चलो मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखो इसमें क्या खर्चा होएगा। मतलब इसके पार्ट्स की रेट बताऊँगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सस्ता पार्ट्स है और आप लोगों से जैसे जो ले लिया जाता है जैसे जो। और जो भाई है ना इन चीज़ों में ठोकर खा चुके हैं ना, वो तो मेरी वीडियो देखते समझ जाएँ कि मैंने कितना सही बोला है। और जो भाइयों का हेड खराब हो, हेड गैस किट उड़ाता, और जिन्होंने जो भुगत चुके हैं ना, यानी जो दे चुके हैं 2-5-10 हज़ार रुपये इस काम के, वो समझ जाएंगे भैया कि रियल में इतना खर्चा होता है। पार्ट्स की भी रेट बताऊँ कितना सस्ता आता है देखो आपको। तो चलो मैं खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों देखो ये हेड निकाल लेता हूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखो पहले इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो ये अब ये देखो हेड हटाने की वजह से जो पानी था ना वो भरा है इसमें। अब ये हम निकाल देंगे आराम से कपड़े से, इससे कोई लॉस नहीं है दोस्तों। इतनी सी देर पानी भरे रहने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो चलो मैं निकाल दूँ, बेटा आप निकाल दो ना पानी, है पूरा पानी निकाल दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेड, हेड का आप लोगों को दिखाया जाता है। ये देखो ये रहा गैस्केट क्या दोस्तों, ये रहा गैस्केट। अब हम इसको करते हैं आटा, ठीक ओके। अब ये गैस किट का आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ से इसका कंप्रेसर है ना, ये दो पिस्टन का कंप्रेसर एक हो गया, इस पिस्टन का कंप्रेसर भी इसमें एक हो गया। मतलब ये गैस किट लीक हो गया, ओवर हीट होने की वजह से ये यहाँ से क्या इसने लीक कर दिया। तो इसका प्रेशर क्या है देखो, यहाँ से लीक हो गया, देखो पानी में भी गया हुआ है। देखो यहाँ से ये पानी का होता है ना, यहाँ से लीक हुआ तो यहाँ से जॉइंट खुला और ये पानी में गया, तो पानी को बाहर फेंकने लग गई गाड़ी बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया। अब ये नया डालने का है तो देखो पहले तो इसे उपाड़ लेते हैं। ये देखो अच्छे से निकाल लेते हैं इसको। ये निकल गया। अब ये देख लो आप अच्छे से, ये गैस के लीक हो चुका है बहुत बुरी कंडीशन में। अब इसका हेड फेस होएगा या नहीं होएगा
वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ, क्या इसकी सफाई कर लेता हूँ अच्छे से, फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, हेड को भी चेक कर लिया अच्छे से, फेस इसका कोई आउट नहीं है, मतलब फेस एक माइनर आउट है, मतलब बहुत बारीक आउट है। तो अब इस गाड़ी मैंने फेस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड वाले के जाके चेक होकर आया है हेड, और वाल है ना, वाल भी उसने चेक कर लिया, मतलब कैम घुमा घुमा कर वाल चेक कर लिया, वाल कोई लीक लाक नहीं है, वाल भी ठीक है, बढ़िया है, तो वो भी उसने चेक कर लिया, वो वाल पे कहीं पे निशान नहीं है या कोई, यानी कि वाल लीक हो जाता ना वो भी नहीं है, वो भी हमारे हेड वाले ने चेक कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये गैसकेट, ये है इसका हेड गैसकेट। अब पता है हल्का फुल्का माइनर लीक इन गाड़ियों में क्यों चल जाता है, क्योंकि इनमें लगता है ये कागज़ वाला गैसकेट। देखो जो गाड़ियों में लोहे का गैसकेट आता है ना, उसमें तो बिल्कुल हल्का सा भी लीक है ना वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल लोहे का गैसकेट है, वो हल्का सा अगर बैंड रहेगा ना हेड में तो वो कवर्ड नहीं हो पाता है। अब ये गैसकेट क्या है, जैसे अपन दाब देते हैं ना भाई इन गाड़ियों में, जैसे अपन पोल्ट की दाब देते हैं, तो जो हल्की फुल्की जगह होती है ना, मतलब हल्का फुल्का माइनर लीक होने के चांसेस, उनको ये दबकर और कवर कर जाता है, इसलिए ये वाला गैसकेट हल्का फुल्का यानी हेड का फेस अगर आउट भी है ना तो भी ये चल जाएगा आराम से, खूब चलेगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो दोस्तों आप लोगों को इस गैसकेट की कीमत, जैसे देखो बैंको का ओरिजिनल है, ये बैंको कंपनी का है, तो काफ़ी बढ़िया गैसकेट आता है इसमें। अब इसकी MRP और दिखाता हूँ आप लोगों को, कितने का है, 105 रुपये का माल है सिर्फ। क्या दोस्तों इतना ही सस्ती गाड़ी है ये, इतना लो मेंटेनेंस गाड़ी है, 105 रुपये का गैसकेट डलेगा सिर्फ इसमें आपको, और कुछ नहीं, 105 रुपये का खर्चा है, बाकी मजदूरी है, मजदूरी थोड़ी देखो ये सब खोलते हैं करते हैं तो 1800 तक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा आइटम खुलता है इसमें और काफ़ी टाइम भी लगता है, मतलब 3-4 घंटे लग जाते हैं ये मान लीजिए। अब अगर मान लीजिए कोई 1800 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ काफ़ी लोग, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग 1500 भी 2000 भी ले रहे हैं, तो भी मैं मानता हूँ भैया अगर उसकी मजदूरी जितनी भी ले रहा हो वो आप तय कर लो, उसके बाद में पार्ट्स आप ला के दोगे तो ये सिर्फ ये डलेगा 100 रुपये का गैसकिट, अगर गैसकिट गैसकिट का खर्चा, और जैसे मान लीजिए आप टाइमिंग बेल्ट टायर डीलर बेरिंग ये सब डलवा रहे हैं तो ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 250-300 की ये है, 250 का आईडी बेयरिंग बस, यानी कि अगर आप ये सारी चीज़ें भी चेंज कराते हैं ना इसमें आईडी भी ये भी, तो भी आपके कोई मोटा खर्चा नहीं है, एक मोटरसाइकिल के मेंटेनेंस पे चलती है गाड़ी। तो अभी हम इसको फिट करते हैं फिर आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ। देखो ये सिर्फ ये गैस के डालने से गाड़ी की जो पानी बाहर फेंक रही थी ना वो समस्या देखो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और 100 रुपये का आता है, 100 रुपये में आजकल क्या आता है, लेकिन इन गाड़ियों का पार्ट्स आता है, देख लो इतनी लो मेंटेनेंस गाड़ी है, बेहतरीन। तो चलो इसको फिट करता हूँ, फिर फिट करके आपको दिखाता हूँ। देखो इसकी जो कंडीशन थी ना मैंने शुरू में दिखाई वो चेक करना, देखो कितनी ख़त्म, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। देखो फेस का भी हमने कर लिया बिल्कुल जग क्लीन, पूरा सब कुछ बढ़िया, अभी से फिट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे काम चल रहा है, टाइमिंग प्लेट वगैरह ही लगा दी, और आपका भाई अकेला ही काम कर रहा है नहीं कर रहा हूँ आज, क्या दीपावली के बाद से अभी लड़के आए नहीं पूरे, तो नहीं कर रहा हूँ, वैसे धीरे धीरे वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने टेपेट का लगाना बाकी है, हेड के बोल्ट टाइट कर दिया, टाइमिंग प्लेट लगा दी, बाकी सारा यानी जो वायरिंग वगैरह ये सब अटैच कर दी, पेट्रोल लाइन वगैरह वाटर लाइन वगैरह सब अटैच कर दिया, अभी और छोटा मोटा काम बाकी वो करके फिर टेपेट का लगा फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो जो पहले कंडीशन थी ना इसमें जो बॉर फेंक रही थी सेल्फ लगाते ही वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये होता है मतलब पिस्टन का कंप्रेसर पानी में आ जाना, पानी वाली साइड, क्योंकि गैसकेट का लीक हो जाने की वजह से, गैसकेट का जगह छोड़ देने की वजह से। तो चलो करते हैं, आपको दिखाई दिया कितना सस्ता पार्ट्स आता है इसका, गैसकेट सिर्फ 100 रुपये का आता है दोस्तों, इतना सस्ता पार्ट्स है इस गाड़ी का, बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है, एक बाइक के मेंटेनेंस पे चलती है, सिर्फ मैकेनिक बना देते हैं हैवी, तो इसे छोटे छोटे काम के आपसे 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार ले लेते हैं। तो चलो दिखाता हूँ मैं और, तो दोस्तों गाड़ी पूरी कंप्लीट है, सिर्फ पानी डालना बाकी है, पानी डालेंगे और स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। देखो पानी अभी तक डाला ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो अभी पानी डालेंगे, तो लड़का ला रहा है पानी और डायरेक्ट सेल्फ लगाएंगे आपके सामने ही। देखो एक छोटी सी चीज़ डालने पर यानी 100 रुपये का पार्ट से कितने बार नहीं आपको दिक्कत होती है, अब इससे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, गैसकेट लीक होना, जैसे कम गैसकेट लीक होता है तो क्या होता है दोस्तों धीरे धीरे पानी कम पड़ने लग जाता है, जैसे अपन कहीं 100 किलोमीटर जाकर है और गाड़ी पानी कम कर रही है, अपन को रोज़ पानी डालना पड़ रहा है, वो सब इनसे आती है प्रॉब्लम, इससे भी आती है और भी कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो प्रॉब्लम आती है, गाड़ी बार बार ओवर हीट होना, इंजन की आवाज़ चेंज हो जाना वो भी इससे होती है, गाड़ी का दब जाना अगर एक सिलेंडर लीक है तो भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं बता दूँ इस चीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अब मैं एक से पानी डाल देता हूँ,
पानी डाल देता हूँ, इसमें टाइम लगा, धीरे जा रहा है। तो दोस्तों ये देखो पानी पूरा ऊपर तक भर दिया अपन ने, अब अपन लगवाते हैं सेल्फ। पहले क्या कंडीशन थी, सेल्फ लगाओ तो इसमें पानी बाहर फेंक दिया, अब अपन ने सिर्फ 100 रुपये का पार्ट चेंज किया, देखो क्या कंडीशन है। अब न्यूट्रल करो, सेल्फ लगाओ, न्यूट्रल ये गाड़ी सेल्फ लगाओ ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं फेंका ना पानी। अभी ये सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट होने टाइम लगे क्योंकि ये गाड़ी गैस पर है, समझा बेटा? एक सेकेंड, हाँ चाबी ऑन करो एक दो बार, गैस चालू है ना, गैस मुझे गैस चालू करो यार, आपने बंद कर रखी, छोरा सेल्फ लगा रहा है दोस्तों, एक सेकंड गैस बंद कर रखी है, स्टार्टिंग एक नंबर ही होगी, गैस चालू कर दो। मैं वीडियो इसीलिए बंद नहीं कर रहा ताकि आपको पता चले, हाँ भाई गैस चालू करते ही गाड़ी स्टार्टिंग एक नंबर होगी, लगाओ। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो, कोई पानी बाहर नहीं फेंक दिया, बस बस रेस मत दो, स्लो रहने दो। ये देखो और पानी राउंड भी अच्छे से ले रहा है, ये देखो पानी बाहर नहीं फेंक रही गाड़ी बिल्कुल भी अब। तो ये देख लो दोस्तों, ये एक पार्ट से इतनी प्रॉब्लम आती है अब गाड़ी को, एक नंबर। अब आवाज़ भी सुन लो, आप देखो आवाज़ भी बिल्कुल कीप क्वाइट होगी, साइलेंट हो गई गाड़ी की, यानी एक छोटी सी चीज़ इतनी प्रॉब्लम कर देती है। और ये इंसर की गाड़ी है, कितने दिन से चला रहे थे आप? एक महीने से भाई साहब, यानी इस तरीके चला, आप पता ये गाड़ी एक महीने से चल क्यों रही थी? पानी कम कर रही थी बस, है ना, ये बार बार में पानी कम कर करके ये बार बार में डाल डाल के चला रहे थे। और इन्होंने क्या किया था, ये देखो ये ढक्कन का है ना रबड़ काट दिया, जिससे क्या इसमें प्रेशर नहीं बन पा रहा था, तो ये धीरे धीरे इस डिब्बे में पानी कम कर रही थी और ये खोल कर डाल रहे थे। और अभी क्या सर्दियाँ आ गई, इस वजह से गाड़ी चल भी गई, अगर गर्मी होती तो ये 10 किलोमीटर भी नहीं चलती। तो चलो इसे थोड़ा पानी गर्म वर्म कर लेते हैं अच्छे से, इसका फ़ैन वगैरह चला लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो कस्टमर का भी रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों कस्टमर टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, कंप्लीट कर दी गाड़ी, पहले इनको जाकर आन देते हैं फिर इनसे रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों कस्टमर आ गए गाड़ी चलाकर, काफ़ी लेट तक गाड़ी चलाई उन्होंने, बढ़िया टेस्ट ड्राइव लेके आए, देखते हैं क्या रिव्यू मिलता है, वैसे बेहतरीन मिलेगा क्योंकि काम एक नंबर करके दिया है। हाँ जी गाड़ी चलने में बढ़िया, एक नंबर। और आपके टोटल कितना दिया आपने मेरे पैसे? 1800 रुपये दिए, जिसमें क्या क्या डाला मैंने? गैस किट लग गया, मजदूरी आ गई, ऑयल डल गया। हाँ मतलब इंजन ऑयल हो गया, गैस किट हो गया, मेरी मजदूरी हो गई, और जो छोटे मोटे नट लगाए हैं ना मैंने वो सारे हो गए, मतलब 1800 रुपये में कंप्लीट करके दिए ना गाड़ी। तो ये देख लो दोस्तों, यानी इतना कम खर्चे में बनने वाली चीज़ है ये गाड़ी। अब जहाँ पर भी आप लोगों से जैसे ये ले लिया जाता है ना 5-5, 10-10 हज़ार, तो वो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इनका पार्ट बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी है ये। क्यों जी, आपको गैस पर कितना माइलेज देती है ये? 14 किलो गैस में है ना, 14 किलो गैस में 350 चलती है, यानी इतना बढ़िया, यानी लो मेंटेनेंस गाड़ी है ये, अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, है ना। तो चलो चलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि इन गाड़ियों में अगर ऐसा हो जाता है ना, तो आप लोगों को ये बता दिया जाता है ना भैया कि हेड खुलेगा, वो होएगा, मोटा खर्चा है, तो ये सब है ना कहने की बात है। बाकी इनमें बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी, बहुत सस्ता आता है इनका सामान। तो चलो चलो अब ठीक सर, ओके सर, चलो चलते हैं, सर जी को भी जान देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, ये सर जी का ना, यानी कि कई जगहों पे इन्होंने पूछा था, पहली बार आए हैं मेरे पास काम कराने, और वीडियो भी देखते हैं अपनी, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा बता दिया गया था इनको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना कम मेंटेनेंस में गाड़ी तैयार होती है, ये बहुत प्यारी गाड़ी है ये, खैर अभी मान लीजिए। अब इनको बताया गया था 7 जाना 8000 रुपये का खर्चा बताया गया था, इन्होंने बताया था मेरे को फ़ोन पर कि मेरे को 7-8 हज़ार का खर्चा बताया, हमारे यहाँ पे मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं ये, 40 से 50, तो 60 यानी 6-7 हज़ार का खर्चा बताया था, जबकि मैंने ये कहा था भाई लास्ट से लास्ट 2000 या 2200 होगा, मैंने इनसे ये कहा था, लेकिन फिर भी 1800 हुआ, जिसमें भी मैंने इंजन ऑयल भी डाला है, हेड गैसकेट भी नया डाला, और मेरी मजदूरी और छोटे मोटे नट वगैरह लगाए हैं, वो सब मिलाकर इतना कम मेंटेनेंस है इन गाड़ियों का। पर ये क्या आप लोगों के साथ, और ये वीडियो पता मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है जो गुजरात से बॉम्बे गए थे, उनको यानी इंजन करके दिया मारुति ओमनी का, इंजन करके दिया और 45,000 का बिल थमा दिया उनको, और वो भी फिर भी है ना बॉम्बे से गाड़ी जैसे अहमदाबाद पहुंची दोबारा इंजन फेल हो गया। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं भाई आप इन फ्रॉडों से बचे रहें, भाई आपको इन चीज़ों का पता रहे कि भाई कितने का क्या आता है, कितना यानी होना चाहिए इनका रियल प्राइस, कितने लो मेंटेनेंस में काम होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई एक और वीडियो के साथ जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको कोई भी मैकेनिकल कोई भी एडवाइस चाहिए हो कुछ भी हो तो आप मुझे
कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट के लिए। थैंक यू सो मच।